हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि कल के दिन आपके फोकस में रहना चाहिए। आप लोगों को पता है सैटरडे संडे बाजार तो क्लोज रहता है, लेकिन इसी के बीच हमें बहुत सारी खबरें देखने को मिल जाते हैं। तो इन तीनों स्टॉक में ऐसे कुछ न्यूज़ आ चुके हैं जिसके वजह से इन तीनों स्टॉक में यहाँ पे कल के दिन आपको फोकस में रखना चाहिए। भले ये स्टॉक आपके पास नहीं भी हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हो, खुद से स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो, तो जिन स्टॉक आपके पास है भी नहीं उन स्टॉक के ऊपर भी आप लोगों को फोकस रखना चाहिए। तो इन तीन स्टॉक पर आपको क्यों फोकस रखना चाहिए वो लॉजिक मैं आप लोगों के साथ जरूर बताऊंगा। तो चलो इस बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं और एक एक करके तीनों स्टॉक को लॉजिक के साथ कंसिडर करते हैं। उसमें से पहला स्टॉक है दोस्तों हमारा TCS। तो TCS आप लोगों को पता है फ्राइडे के दिन इसके Q1 के नंबर आ चुके थे और नंबर जो आए दोस्तों वो बाजार क्लोज होने के बाद, और नंबर जो है वो इतने भी खास ही नहीं, क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है वो तो अच्छे है, लेकिन जो एक्सपेंस कुछ ज़्यादा होने के वजह से कंपनी का हमें नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिलेगा, जो कि बाजार के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। और उसके साथ साथ आप लोगों को पता है बाजार की तरफ से कुछ ब्रोकरेज की तरफ से कुछ एस्टिमेट किया जाता है कि TCS के नंबर ऐसे आ सकते हैं। वैसे तो देखा जाए हर बार एस्टिमेट वो मिस हो ही जाता है, बीट नहीं कर पाते, तो इस बार कुछ हमें ज़्यादा ही देखने को मिला, जो कि 4.09%, जो कि एक और नेगेटिव पॉइंट है आप ऐसा बोल सकते हो। तो अगर TCS में हो सकता है कल के दिन एक नेगेटिविटी देखने को मिल सकता है, करेक्शन हो सकता है। अगर अच्छे खासे करेक्शन TCS में होता है तो आप लोगों को पता है IT सेक्टर का नंबर वन लीडर है TCS, तो अगर TCS में गिरावट होता है तो बाकी जो और भी IT सेक्टर है तो उनको भी हमें अच्छे खासे उसमें भी गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। अगर पूरे IT सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिलता है तो आपको पता है पूरे बाजार में इंडेक्स की बात करो 15 से लेकर 16% कंट्रीब्यूट करता है IT सेक्टर, तो पूरे बाजार में हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। डिपेंड करता है किस हिसाब से TCS में करेक्शन हो रहा है, तो अगर TCS में अच्छे खासे करेक्शन हो सकता है तो पूरे IT सेक्टर में करेक्शन होगा। अगर IT सेक्टर में गिरावट होता है तो 60% कंट्रीब्यूट करते हैं इंडेक्स में, तो नो डाउट Nifty 50 में हमें करेक्शन देखने को मिले। ओवरऑल आप बोल सकते हो पूरे बाजार में हमें एक नेगेटिविटी देखने को मिल सकता है। देन नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो लिमिटेड। तो विप्रो क्यों आपको फोकस में रखना चाहिए, विप्रो तो 6 मंथ में 40% क्रैश हो चुका है, लेकिन आप टॉप से लेके बॉटम तक कैलकुलेट करोगे तो 40 से लेके 46% आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। आप चाहो तो इसे रफली 50% क्रैश भी बोल सकते हो। स्टॉक अपने टॉप लेवल से इतने लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी होने के बाद भी आधा हो चुका है। स्टॉक कल के दिन आपके खास रडर के ऊपर इसलिए रहना चाहिए क्योंकि जो TCS है नंबर वन लीडर है, उनके नंबर खराब आए तो इसी वजह से जैसे ही उसके नंबर आए फ्राइडे को, वैसे ही हमें लगभग 3.5% से ज़्यादा के करेक्शन देखने को मिला। तो ये कौन से दोस्तों, ये है ADR। आपको पता है जो हमारे इंडियन कंपनी है वो बाहर के दुनिया कंपनी जो स्टॉक मार्केट है उनमें भी लिस्टिंग है, जो कि US के बाजार में आप देख पा रहे होंगे NASDAQ में हमें देखने को मिल जाएगा। तो इसमें 3.5% से भी ज़्यादा के गिरावट देखने को मिला था फ्राइडे के सेशन में जब TCS के नंबर खराब है। तो इससे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे विप्रो, पहले से ही बाजार पहले से इस चीज़ को एक्सपेक्ट करता है कि अगर TCS जैसे कंपनी में नंबर इतने फ्लैट आते हैं, इतने खराब आते हैं नेट प्रॉफिट में, तो नो डाउट जो छोटे कंपनी उसके नीचे विप्रो हो गए तो उनके नंबर भी खराब आने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इस वजह से पहले से इनमें प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो कल के दिन विप्रो लिमिटेड आपके ऊपर बहुत, मतलब आपके पास नहीं भी है तब भी इसको फोकस में जरूर रखना, लेकिन अच्छी कंपनी आप बिंदास कंटिन्यू करना। गिरावट होता है तो प्लीज़ फ्रेश बाइंग के लिए और ऐड करने के लिए मैं मेरी तरफ से इतना कहना चाहूँगा Q1 के नंबर का सिलसिला जारी हो चुका है, तो नंबर देख के आप एवरेज करोगे या फ्रेज बाय करोगे तो सबसे बेस्ट है, और 2-4 दिन में नंबर आ जाएगा तो वो सबसे बेस्ट है। कल के दिन हो सकता है इनमें पॉसिबिलिटी है कि इसमें भी 3-4% के करेक्शन हो सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एंजल ऑन लिमिटेड। तो एंजल ऑन लिमिटेड मैंने क्यों पिक किया, इसको तो नंबर भी नहीं है और नंबर भी अभी भी नहीं है 14 जुलाई को, इसको मैंने इसलिए पिक किया दोस्तों, कल एंजल ऑन लिमिटेड की तो नहीं लेकिन इसके एक कॉम्पिटिटर है जो कि 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड। इसके मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ इसके कल Q1 के नंबर है 11 जुलाई, आप लोगों को बताया, तो कल इसके फोकस में रखना है। अगर ड्यूरिंग द बाजार नंबर आता है तो इसमें अगर अच्छे खासे नंबर आते हैं तो तेजी देखने को मिलेगा। इससे हमें पता चल जाएगा अगर ऐसे 700 करोड़ की मार्केट कैप है, इतने छोटे कंपनी माइक्रो कैप कंपनी के नंबर अगर अच्छे आ सकते तो ये तो एक मिड कैप स्टॉक है, मिड कैप कंपनी है एंजल ऑन लिमिटेड, तो उसके नंबर तो हर बार ही 5 स्टार आते, तो इस बार भी 5 स्टार आने के चांसेस उसमें हमें सडनली तेजी देखने को मिल सकती है। तो इससे हमें थोड़ा बहुत पता चल जाएगा जिससे छोटी कंपनी के नंबर अगर इतने 5 स्टार आते हैं तो नो डाउट जो बड़ी कंपनी एंजल ऑन लिमिटेड उसके नंबर भी बहुत ही शानदार आ सकते हैं। तो एंजल ऑन लिमिटेड अगर आप लोगों के पास है दोस्तों कमाल के स्टॉक है, आप बिंदास कंटिन्यू कर सकते हो। 5 साल तो नहीं, बस 1.5 साल हुए, 1.5 साल में 370% 10 के फेस वैल्यू, आगे जाके आपको स्टॉक थोड़ा सा महंगा हो जाए 3-4 हज़ार के, आपको स्प्रिट जैसे एक्टिविटी देखने को जरूर मिल सकता है। और स्टॉक ऐसा नहीं, यहाँ तक ऐसा नहीं कि 200 के स्टॉक 2000 चले गए
तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि रैली खत्म हो चुका है, अच्छे स्टॉक हमेशा अच्छे ही परफॉर्म करेंगे। तो बिंदास आपके पास है, बिंदास कंट्रोल करना, टॉप पे आएंगे जितने भी क्वांटिटी होल्ड करें। अगर आपको एवरेज करने है तो 14 जुलाई को क्यूआर के नंबर है, नंबर देके डिसीजन लो। और सेम चीज़ें फ्रेश बाय करने के लिए 3 दिन बाद नंबर है, तो नंबर देके अगर फ्रेश बाय करोगे 200-400 रुपये में कुछ फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, बट लॉजिक के साथ जाओगे नंबर के देख के तो आपके लॉस होने के चांसेस कम और प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा, ये होते हैं लॉजिक के पॉइंट। सो दोस्तों वीडियो देते हैं और 3 स्टॉक को कल के दिन आप फोकस में जरूर रखना। फिर भी कोई क्वेरी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इस वीडियो में कोई अच्छा लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सोचते मिलते ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।